नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कारवानी में। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं आप भी बढ़िया होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले 2024 में भारत में सबसे फ्यूल एफिशिएंट पेट्रोल कार्स के बारे में। तो तैयार हो जाइए, लाइक बटन को दबा देना एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, सब्सक्राइब बटन हिट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों 10 पोजीशन पर मारुति सुजुकी इग्निस के बारे में। सेल्स एक्सपेक्टेशन तो इससे नहीं की जाती, लेकिन इस हैचबैक में दम तो बहुत है। लेकिन 83 HP 1.2 लीटर का K12M पेट्रोल इंजन मिलता है, जो देता है दोस्तों 20 KPL की एरिया रेटेड एफिशिएंसी। ये कुछ सोचने लायक है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 पर बात करेंगे मारुति सुजुकी एस्प्रेसो के बारे में। ये बजट फ्रेंडली स्मॉल कार है दोस्तों, 68 HP 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन के साथ एंड जो सैलरी और वैगनार के साथ शेयर करता है, और इसीलिए दोस्तों ऑफर करता है ये स्मॉल एरिया एफिशिएंसी फिगर्स। एस्प्रेसो दोस्तों प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल चॉइस है। नंबर 8 पर हम बात करेंगे डैटसन रेडिको के बारे में। 2020 में मेकओवर के बाद रेडिको आया है एंड दोस्तों 2 पेट्रोल इंजन इसके अंदर हमको मिलते हैं। पहला 54 HP 0.8 लीटर का और दोस्तों 68 HP 1.0 लीटर का। 1.0 लीटर इंजन के साथ दोस्तों AMT गियरबॉक्स हमको मिलता है, ये देती है 22 किलोमीटर पर लीटर के एवरेज। तो एक इंप्रेसिव फ्यूल एफिशिएंसी पैकेज है दोस्तों इसका। अब चलते हैं नंबर 7 पर। तो रेनॉल्ट क्विड 2 इंजन ऑप्शन के साथ हमको मिलती है। AMT गियरबॉक्स के साथ दोस्तों ये हमको 22 किलोमीटर पर लीटर की एरिया माइलेज देती है। क्विड स्टाइल में भी कम नहीं है और फ्यूल एफिशिएंसी में भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ हम नंबर 6 पर बात करने वाले मारुति सुजुकी अल्टो के बारे में। ये एफिशिएंट और अफोर्डेबल कार है दोस्तों, 48 HP 0.8 लीटर इंजन के साथ एंड दोस्तों ये माइलेज देती है 22.05 KPL की। एंड अगर आप CNG वेरिएंट भी लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, CNG भी अच्छी माइलेज देती है, 31 तक की माइलेज हमको दे देती है पर KG में। 5 में आने का वक्त आ गया है दोस्तों, और यहाँ टोयोटो ग्लांसा मारुति सुजुकी के कोलाबोरेशन में आने के बाद 1.2 लीटर का ड्यूल जेड K12 इंजन पेट्रोल के साथ हमको ये मिलती है, जो देती है 90 हॉर्स पावर मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ। दोस्तों इसकी एरिया क्लेम फ्यूल इकोनॉमी है 22.35 KPL तक की, मेकिंग इट ए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इन द फ्यूल एफिशिएंस गेम। एंड दोस्तों नंबर 4 पर हम बात करने वाले हमारे देश की जानी मानी कार, लोगों की पसंद, छोटे बड़ों की पसंद, मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बारे में। हाल ही में फेसलिफ्ट होकर आया स्विफ्ट, अब आता है दोस्तों 90 HP K12 इंजन पेट्रोल के साथ। ये हमको मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के साथ मिलती है। स्विफ्ट अचीव करता है दोस्तों इंप्रेसिव माइलेज, मतलब 23.2 KPL मैनुअल के लिए और 23.76 KPL AMT के लिए। ये स्टाइलिश और फ्यूल एफिशिएंट हैचबैक है दोस्तों। नंबर 3 पोजीशन पर आते हैं सबसे पॉपुलर सुजुकी डिजायर। फेसलिफ्ट के बाद दोस्तों डिजायर ने इंट्रोड्यूस किया एफिशिएंट, मतलब 1.2 लीटर K12N यूनिट को, जो आता है दोस्तों स्टार्ट स्टॉप फंक्शन के साथ। इसके अंदर दोस्तों हमको मैनुअल में 23.26 KPL और AMT में दोस्तों 24.12 KPL। जो ये डिजायर है दोस्तों दी मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट पेट्रोल सेडान ऑन सेल्स इन इंडिया। स्टाइल, कंफर्ट और एफिशिएंसी डिजायर में सब कुछ हमको मिलता है दोस्तों। डिजायर इसलिए तो सब लोगों की फेवरेट है। दूसरी पोजीशन पर बात करते हैं दोस्तों मारुति सुजुकी वैगनार के बारे में। वैगनार हमको ऑफर करता है दोस्तों 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शन। फर्स्ट है दोस्तों 67 HP 1.2 लीटर का एंड दूसरा है 19 HP 1.2 लीटर का। छोटा इंजन स्पेशली AMT गियरबॉक्स के साथ हमको मिलता है। इसके अंदर हमको दोस्तों 25.19 KPL तक की माइलेज मिल जाती है। वैगनार दोस्तों एक प्रैक्टिकल चॉइस है हमारे लिए, तो आप इसको लेना पसंद करते हो तो कमेंट में हमको जरूर बताना। और अब हमारी लिस्ट का नंबर 1। तो नंबर 1 पे दोस्तों मारुति सुजुकी सैलरियो, सेकेंड जनरेशन सैलरियो कार की है। तो इसके अंदर हमको दोस्तों ये मिलती है VXI AMT वेरिएंट के अंदर एंड इसके अंदर हमको 26.68 KPL की माइलेज मिल जाती है। और भी कई सारे इसके वेरिएंट मिलते हैं जिसके अंदर हमको इतनी माइलेज मिलती है 26-27 के आसपास की। सैलरियो से सेट किया है दोस्तों एक न्यू स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूल एफिशिएंस का। तो दोस्तों इन कारों में से आपकी फेवरेट कार कौन सी है, उस कार का नाम कमेंट में हमको जरूर बता के देना एंड आपको जानकारी कैसी लगी तो वो भी कमेंट में जरूर बताना। एंड दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब बटन को हिट कर देना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि आप ऑटोमेटिव दुनिया से हमेशा अपडेट रहे। तो सेफ ड्राइव, हैप्पी ड्राइव। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।